गरीब परिवार में पले बढ़े सुरेश कुमार आज दिल्ली की एक बड़ी कंपनी में सिविल इंजीनियर हैं और अपने जीवन की इस सुखद मंजिल तक पहुंचने का श्रेय वो प्रोफेसर आनंद कुमार को देते हैं। देखा गुरु का आज का ज्ञान तो नहीं पॉसिबल है, चाहे कहीं भी हो। हाँ, आदमी के पास एनर्जी है, लेकिन उसे किस डायरेक्शन में हम उसे लगाएं, उसके लिए हमें गुरु की जरूरत होती है। कहीं भी हो, अगर गुरु अगर नहीं मिले तो बच्चे को ज्ञान नहीं मिल पाएगा। मतलब अगर गुरु मिल जाए तो हमें डायरेक्शन मिलता है ना, कैसे हमें क्या करना नहीं करना। बगैर गुरु का तो ज्ञान नहीं हो सकता, हम ये कहेंगे। बचपन से ही पैसों की तंगी की वजह से सुरेश ने अपनी माँ को बचपन में ही खो दिया। पिता किसी तरह मेहनत मजदूरी कर अपने परिवार का पेट पालते थे। ऐसे में पढ़ने में तेज सुरेश के पास आगे बढ़कर पढ़ने लिखने का कोई रास्ता नहीं था। आर्थिक तंगी और मूल सुविधाओं के अभाव में सुरेश ने 12वीं तक की पढ़ाई बड़ी मुश्किल से की। लेकिन पिताजी तो लेबर थे, तो उनके पास उतना इनकम भी तो नहीं होता था कि हाँ भाई, मतलब घर पे आए तो बहुत कम ही होता था ना। मतलब कि अगर वो किसान भी हो, ढंग का किसान हो, मतलब जिसके पास खेत वगैरह हो ठीक ठाक, तो वो मतलब कि मैनेज हो जाता है लोगों का। लेकिन जिनके पास खेती नहीं हो, तो वो दूसरे के यहाँ काम करने पर तो वो जो वेज मिलता है ना, डेली वेज, वो भी बहुत कम होता है, जिसमें कि मतलब घर चलाना और पढ़ाई लिखाई करना वो ज्यादा ही मुश्किल वाला काम होता है। पर फिर उनकी जिंदगी में आनंद कुमार मसीहा बनकर आए। सुरेश से मिलकर उसमें छुपी प्रतिभा को शायद कहीं न कहीं आनंद ने भांप लिया था और उन्होंने सुरेश को अपनी सुपर 30 कोचिंग में दाखिला देने का फैसला ले लिया। जब पहली दफा वो आया, रिक्वेस्ट किया कि सर मुझे आप सुपर 30 ग्रुप में रख ले, मैंने देखा उसके चेहरे पर एक चमक थी, उसके भीतर एक जुनून था, कुछ कर गुजरने की एक तमन्ना, ख्वाहिश मैंने उसके भीतर देखा और मुझे एहसास हो गया, मुझे विश्वास हो गया कि आने वाला समय में ये एक बहुत बड़ा आदमी बन सकता है, क्योंकि वो सभी बातें इसमें हैं जो एक दूर तक के राही में होनी चाहिए। अपनी इच्छा शक्ति, गुरु के आशीर्वाद और मार्गदर्शन से सुरेश ने आखिर अपने जीवन की कठिनाइयों को पार कर ही लिया।